नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विद जेके। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई का नाम कॉम्बिनेशन बायोकेमिक मेडिसिनों का कॉम्बिनेशन, जिससे आपका गिरता हुआ स्वास्थ्य, यदि आपको भूख नहीं लग रही है, आपको मानसिक या शारीरिक कमजोरी है, या आप किसी बीमारी के बाद थक गए हैं, आपको बहुत कमजोरी लगती है, आपकी हाथ पैर की मसल्स जो हैं वो बहुत कमज़ोर और ढीली हैं, आपको बराबर नींद नहीं लगती, आपको भूख नहीं लगती, आपकी पिंडलियों में दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, आपकी आँखों में जलन रहती है, तो ऐसी दवाई बताऊँगा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तथा 5 साल के बच्चों से लेकर युवा, वृद्ध, बुजुर्ग सभी इसका सेवन कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। और इसको जैसे आप जनरल टॉनिक समझ सकते हैं, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, कमजोरी बताई बीमारी के बाद, एक जनरल टॉनिक खिलाते हैं, उसी प्रकार होम्योपैथी में बिना साइड इफेक्ट के ये टॉनिक बनाई गई है जो कि सभी के लिए बराबर उपयोगी है। तो उस टॉनिक का नाम जानने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें तथा यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है, सोडियम की कमी है, इन चीज़ों की कमी है तथा यदि आप मानसिक या शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या अपने आप को फील करते हैं, आपको बराबर भूख नहीं लग रही है, आप खाना तो बहुत खाते हैं लेकिन आपके शरीर को नहीं लगता है, या आप किसी लंबी बीमारी के बाद आपको शरीर में बहुत कमजोरी लगती है, आपका शरीर सूखा सूखा लग रहा है, आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, इन सब तकलीफ़ों के लिए होम्योपैथी की दवाई है जो कि बायोकेमिक दवाई है। बायोकेमिक 5 दवाइयों मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, वही दवाई के बारे में आज आपको बताऊँगा। उन 5 दवाइयों में कौन कौन सी है, कैल्केरिया फास 6x, नेक्ट्रम फास 6x, काली फास 6x, फेरम फास 6x और मैग्नीशिया फास 6x। ये 5 दवाइयां बंद के 5 फास 6x डॉक्टर रेकबेक की, SBL की, मैं किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में जाओगे और 5 फास 6x के नाम से मांगोगे तो आपको मेडिकल स्टोर वाला दे देगा और उस दवाई का सेवन आप चालू कर सकते हैं। उस दवाई को आप कैसे सेवन करेंगे, 4 टेबलेट लेके आपको 6-6 घंटे में चूस लेना है और एक घूंट पानी भी पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि पानी नहीं पीना है, चूस के पानी पी लेना है। सिर्फ आपको एक क्या ध्यान देना है, जो अपना होम्योपैथी का रहता है सिद्धांत, खाना खाने से आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद, इतना आपको बीच में गैप रखना है, खाने से आधे घंटे पहले खाएं या आधे घंटे बाद खाएं, और आप कम से कम 6 महीने से साल भर तक बिना डरे बिना झिझक ये दवाई ले सकते हैं। इस दवाई का सेवन आप जैसे शुरू करेंगे तो आपको अलग ही एनर्जी फील होने लगे कि हमारी बॉडी में अच्छी एनर्जी मिल रही है, आपको भूख लगने लगेगी, आपकी मसल्स तगड़ी होने लगेंगी, आपके अंदर स्टेमिना आ जाएगा, आपकी शारीरिक मानसिक कमजोरी दोनों हट जाएगी और आपको अपने आप में अच्छा फील होने लगेगा। तो आपको अब कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है और होम्योपैथी आप ये समझिए कि एक जनरल टॉनिक है, आपकी हेल्थ रिलेटेड सभी समस्याएं, यदि आपके पिंडलियों में भी दर्द हो रहा है, कमजोरी से दर्द हो सकता है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, वो भी कमजोरी से होता है, आपको भूख नहीं लग रही या लग भी रही है तो आपको खाया पिया खाना अच्छे से लग नहीं रहा है, तो इन सभी समस्याओं के लिए सिर्फ एक ही दवाई है, 5 फास 6x। 5 फास 6x आप गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि 6 महीने कंटिन्यू खाएंगे, फिर आप अपने अंदर जो ताजगी आएगी उसको आप खुद महसूस करेंगे। तो 5 फास्ट का उपयोग करिए और हमारी वीडियो का लाभ लीजिए तथा यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं
तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इस वीडियो का लाभ हर आम इंसान उठा सके और डॉक्टर की महंगी फीस देने से बचे। और यदि टॉनिक के रूप में आपको यूज करना है तो 5-6x आप रेगुलर यूज करिए और इसका परिणाम देखिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।